अपने आखिरी मैच में धोनी ने की थी बड़ी गलती, ऐसी गलती जिसे भूल नहीं पाया क्रिकेट जगत, जिसके बाद धोनी ने कहा वनडे को अलविदा। भारतीय क्रिकेट के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 विश्व कप में चैंपियन बनाने से लेकर 28 साल बाद वनडे क्रिकेट में विश्व विजेता बनाने और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम भूमिका निभाई। 18 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के लिए कई बार मैच विनिंग पारियां खेली। इस दौरान धोनी ने कुछ गलतियां भी की। उन्हीं गलतियों में से एक गलती उन्होंने करियर के आखिरी वनडे मैच में की। इस गलती के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम उस गलती के बारे में यहां आपको बताएंगे। दरअसल साल 2019 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी ने एक गलती की थी। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेला था। इस मैच में भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम की हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन गलती ना महेंद्र सिंह धोनी की थी ना ही टीम की। इस अहम मुकाबले में धोनी 50 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। धोनी के ऊपर प्रेशर आ गया था जिसे वह संभाल नहीं पाए। इस मैच के बाद ही महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का बेहतरीन फिनिशर कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने 50 की औसत से 10,000 से अधिक रन निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में कुल 350 मैच खेले हैं। इनमें से वह सिर्फ 297 इनिंग में बैटिंग कर पाए। 297 इनिंग में 50.6 की औसत से उनके नाम 10,773 रन हैं। इसके साथ ही उन्होंने 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े हैं। तो ये थी धोनी की वो बड़ी गलती जिसे टीम इंडिया कभी नहीं भूल पाएगी। तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।